नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। इन दिनों आपको दूध और दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से जो छेना होता है, पनीर, उनकी कुछ रेसिपी बता रही हूँ। और छेना से बनी हुई जो रेसिपी है आज जो मैं बता रही हूँ वो है राजभोग। आप देखिए, ये इस तरह से बनेगा। और राजभोग के अंदर एक फिलिंग भी होती है, वो भी पूरे आपको उसमें वीडियो में दिखाई देगी। और ये किस तरह से बनता है ये पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगी। लेकिन इसमें भी मैं यही कहूंगी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी हैं दूध के, वो वे वाटर में चले जाते हैं, और जो पनीर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही इसमें मिलते हैं। अब मैं इसको तोड़ के बता देती हूँ। आप देखिए, अगर हम इसको तोड़ के और देखते हैं तो अंदर से ये फिलिंग दिखती है और आप इसकी स्पंज देख सकते हैं आराम से। स्पंजी है तो इसलिए ये पूरे रसगुल्ले जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। अब मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। 1 किलो दूध का छेना बनाने के लिए हम दूध को उबाल लेते हैं। इसको नीचे तले में नहीं लगने देना है और उबलने तक हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। अब दूध में उबाल आ चुका है तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद में हम इसमें नींबू ऐड करेंगे इसका छेना बनाने के लिए। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और मैं इसमें ये नींबू का जो रस है वो धीरे धीरे डालती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी। ये हमने गाय का फुल क्रीम दूध लिया था, मलाई नहीं हटाई हुई थी, और थोड़ा थोड़ा इसलिए डालते हैं जिससे कि इसमें एकदम ये हार्ड नहीं बने हमारा जो छेना है वो। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हिलाते जाएंगे इसको। ये एक नींबू से नहीं फटा है, इसमें मैंने आधा नींबू और डाला, मतलब करीब 1.5 नींबू लग गया 1 लीटर दूध में। अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए एक छलनी लेंगे और छलनी में कोई भी कॉटन कपड़ा हम बिछा देंगे और इसमें हम धीरे धीरे इसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि जो इसकी खटास है वो भी निकल जाए और दूसरी बात जो इसकी कुकिंग है वो भी रुक जाए, मतलब हार्ड होने का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। और अब हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत जितना हमसे हो पाएगा अभी, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए टांग देंगे। ज़्यादा पानी इसका नहीं निकालना है हमको। अब हम इसको भले यहीं रख दें इसी पर भी, तो हम थोड़ा सा इस पर वजन रख सकते हैं, कोई भी एक वजन जो होता है, और या फिर हम इसको टांग देंगे। राजभोग के लिए हमको 400 ग्राम शक्कर चाहिए और इसमें हम आधी कढ़ाई के करीब, मतलब जो 400 से 5 गुना ज़्यादा, मतलब 1.5 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और इधर एक पानी और उबलता हुआ चढ़ा देंगे और इसमें इलायची डाल के और इसको उबाल। ये इस तरह से हो गया।
अब इस पनीर में हम आधा चम्मच सूजी डाल देंगे और बहुत ही कम जो है वो कलर, बिल्कुल एक चुटकी जितना सा, और अब हम इसको मैश कर लेंगे। अब करीब 7-8 मिनट हो गए और ये बिल्कुल बढ़िया चिकना हो गया, और अब हम इसके बराबर से टुकड़े कर लेंगे। बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं, क्योंकि जब फूलते हैं तो कढ़ाई में जगह होनी चाहिए। अब एक एक को बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से करके फिर ऐसे दबा देना है। दबाने के बाद में आप एक छोटे से पीस को लेके ये, और जो हमारा ड्राई फ्रूट है इसमें आप घुमा लीजिए, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसके चिपक जाएंगे, एक गोली सी बन जाएगी। और फिर इस गोली को बीच में रख दीजिए। रखने के बाद में ये ऊपर आ जाएगा, चाशनी खूब अच्छी उबल गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा कलर और ये केसर के जो दाने हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और अब इस उबलती हुई चाशनी में ही हमको ये जो हमने बना रखे हैं एक एक, हम एक तरफ से इसमें डालते जाएंगे। उबाला आता हुआ रहना चाहिए इसमें। अभी तेज ही फ्लेम है इसमें और साथ में पानी भी गर्म हो रहा है। जैसे ही इसमें पानी कम लगेगा तो हम इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा डालने पे बुलबुले कम हो गए तो आप रुक जाइए, उसके बाद में फिर ऐड कीजिए। और अब आधा मिनट ये यूं ही उबलेंगे और उसके बाद में हम जो ढक्कन है वो इस पे लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ, इस तरह से, इस तरह से यहां से थोड़ा सा खुला हुआ।
आधा मिनट बाद में मैंने इस तरह से ढक्कन लगा दिया, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी भाप निकल रही है और थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए झाग हो रहे हैं और इधर से थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर आप पूरा पैक भी कर देंगे क्योंकि झाग से ये पकता रहेगा, इसमें सूजी भी है, लेकिन हल्का सा इसको इतना सा खोल के रखेंगे तो इसकी भाप थोड़ी थोड़ी सी निकलती रहेगी और चाशनी भी बाहर नहीं आएगी और जो राजभोग है वो अच्छे से पकेंगे। 10 मिनट हो चुके और अब हम देखते हैं, ये देखिए बहुत कुछ फूल रहे हैं पर इसमें पानी कम हो रहा है, तो ये जो उबलता हुआ पानी है ये हम इसमें एक तरफ से डाल देंगे। इसका टेम्परेचर हमको कम नहीं करना है। बारह तेरह मिनट हो गए हैं, वापस से थोड़ा सा इसको ढक देते हैं। 15 मिनट हुए हैं और अब मेरे को थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो वापस से उबलता हुआ पानी मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ। एक बार कर चुकी थी, एक बार और कर रही हूँ जिससे कि इनको घूमने के लिए और फूलने के लिए आराम से पूरी जगह मिल सके। बीस मिनट हो गए हैं और 20 मिनट बाद अगर हम इसको एक को निकाल के देखते हैं, ये देखिए इस तरह का दिख रहा है। अब एक मिनट हम यूं ही खुला करके और फिर गैस बंद कर देंगे, मतलब 20 मिनट का प्रोसेस है ये। और खुला करने के बाद में भी ये आराम से घूम रहे हैं और पिचक नहीं रहे हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे और उसके बाद में परोसेंगे। अब राजभोग को ठंडा होते हुए करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है और हम इसको अब बाउल में डाल लेते हैं जिससे कि आप फ्रिज में रख सकें और ठंडा करके खा सकें। इसको हमने रसगुल्ले के तरह ठंडा नहीं किया है निकाल के, ये इसी में ही रखे हुए थे और अब हम इनको थोड़ा चाशनी में ही रहने देंगे जिससे कि इनका शेप वगैरह ना बिगड़े। और अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और बाकी ये जो राजभोग हैं इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं और अगर हम इसको निचोड़ते हैं तो पूरा रस निकल रहा है। वापस से हम इसी पीस को इसके अंदर डाल के और वापस से, तो चूंकि ये बहुत ही स्पंजी है और ये देखो वापस से पूरा स्पंज हो गया, तो इस तरह से ये जो राजभोग है वो कंप्लीट होता है। और इसकी ये भरावन आप देखिए।